दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात के हजारों जमातियों में से कई के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे देश में हड़कंप मच गया। इसी के साथ ही जमात में शामिल हुए लोगों को पकड़ने की कवायद भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बहराइच की ताज मस्जिद और कुरैशी मस्जिद से भी मरकज जमात के 17 संदिग्ध विदेशी समेत 20 जमातियों को प्रशासन ने पकड़कर आइसोलेट कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से 10 लोग इंडोनेशिया और 7 थाईलैंड के रहने वाले और दिल्ली के निजामुद्दीन की जमात से जुड़े हुए ये लोग बहराइच में जमात में शामिल होने आए थे। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनमें से 9 को ट्रामा सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया और 10 लोगों को बहराइच की कुरैश मस्जिद में आइसोलेट किया। साथ ही जिस ताज मस्जिद से ये लोग मिले उसे भी प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया। जब से ये आए हुए हैं अपने उन मस्जिदों में नहीं रुके हुए हैं और दिल्ली में जो 14 और 15 तारीख का कार्यक्रम था उसमें अभी तक इनके द्वारा भाग लिए जाने की कोई बात प्रकाश में नहीं आई। नहीं, यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग गए कन्वेंशन में, वो लौट के क्या वो लोग चिन्हित हो रहे हैं? अभी तक एक ही व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था, आदिल नाम का व्यक्ति था और वह अपने कोतवाली दरगाह क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन अभी भी 21 तारीख से लगातार उसकी लोकेशन दिल्ली में ही है, वो दिल्ली में ही है, अभी वो बहराइच में नहीं आया है। जैसे ही वो बहराइच आता है उस पर नज़र रखी जा रही है, उसके भी स्वास्थ्य का परीक्षण कराया लोकल मस्जिद में।